अगर आपने अब तक J4 E-Tech YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मिलते रहे वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं J4 E-Tech जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, वीवो ने जो है उसका नया फोन वीवो V7 Plus, जो कि वीवो के बाकी सीरीज की तरह एक सेल्फी सेंट्रिक फोन है, लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेल्फी के अलावा इस फोन में और हमको क्या देखने को मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों इस फोन को जो है मैं कंपेयर करने वाला हूँ मोटो के G5S Plus के साथ। क्या ये वीवो V7 Plus लेना वर्थ है या नहीं है, या इससे बेटर आपको और भी कोई ऑप्शंस मिल जाते हैं, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन्स के कैमरास की। तो V7 Plus में जो है आपको कैमरा मिलता है, वो मिलता है 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा यानी कि रियर कैमरा, प्लस इसमें कुछ आपको ब्यूटी मोड, ग्रुप सेल्फी, कुछ और ऐसे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। प्लस दोस्तों, इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है यानी सेल्फी कैमरा मिलता है, वो मिलता है 24 मेगापिक्सल का यानी 24 मेगापिक्सल का। ये बेसिकली इसका USP है, हम बोल सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर मैं मोटो G5S Plus की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको जो है डुअल कैमरा मिलते हैं रियर साइड में, जो कि 13 मेगापिक्सल के दो कैमरा हैं, एक RGB और एक मोनोक्रोम कैमरा है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जो है फ्रंट कैमरा जो आपको मिलता है वो मिलता है 8 मेगापिक्सल का। अब आते हैं दोस्तों दोनों फ़ोन के स्क्रीन में। तो स्क्रीन में जो अगर मैं आपको वीवो की बात करता हूँ, तो वीवो V7 Plus में आपको 5.99 इंच का IPS कैपेसिटिव टच स्क्रीन मिलता है, जो कि एक 720p डिस्प्ले है। और दोस्तों, वहीं अगर हम बात करते हैं मोटोरोला की, मोटो के G5S Plus की, तो यहाँ पर आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जो कि 1080p डिस्प्ले है। साथ में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर वीवो में आपको मिलता है एंड्रॉयड का नोगट, जो कि 7.1 है, और साथ में इस पर जो है उसको आपको फन टच OS मिलता है, जो कि वीवो का उसका खुद का कस्टम UI है। और वहीं बात करते हैं दोस्तों मोटो G5 Plus की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड का 7.1.1 नोगट, और इसमें जो है आपको स्टॉक एंड्रॉइड जो है एक्सपीरियंस मिल जाता है। दोस्तों, वहीं अगर हम जो है इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, तो आपको वीवो V7 Plus में जो है स्नैपड्रैगन का 450 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि 1.8 GHz प्रोसेसर है। और वहीं दोस्तों, अगर मैं मोटो G5S Plus की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2 GHz प्रोसेसर है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पर प्रोसेसर जो कि वीवो में दिया हुआ है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वीवो ने 625 तो भी देना चाहिए था। दोस्तों, अगर यहाँ पर रैम और स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो दोनों ही फ़ोन में आपको 4 GB का रैम मिलता है, और स्टोरेज जो मिलता है आपको 64 GB का इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाता है। लेकिन अगर मैं एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको वीवो में जो है 256 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और जो मोटो G5S Plus है इसको आप जो है 128 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं अगर हम बैटरी की बात करें, तो वीवो में आपको मिलता है 3225 mAh का बैटरी, जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी है, और इसमें दोस्तों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। वहीं आपको मोटो G5S Plus में दोस्तों जो बैटरी मिलता है वो मिलता है 3000 mAh का, लेकिन यहाँ पर आपको साथ में टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि ऑब्वियसली वीवो से फास्ट चार्जिंग है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों ही फ़ोन की प्राइस की। तो यहाँ पर दोस्तों, जो वीवो का प्राइस है वो आपको मिलता है 21,990 रुपये में, यानी कि आपको 720p का डिस्प्ले, सिर्फ एक फुल विजन डिस्प्ले यानी 18:9 का स्क्रीन इसमें दिया गया है उसके लिए, और सेल्फी कैमरा के लिए इसकी जो कीमत है वो रखी गई है 22,000 रुपये। और वहीं दोस्तों, मोटो G5S Plus जिसमें कि आपको फुल HD डिस्प्ले यानी 1080p का डिस्प्ले मिल रहा है, साथ में आपको जो है स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर मिल रहा है, और आपको जो है टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद भी जो है इसमें आपकी जो कीमत रखी गई है वो रखी गई है 16,000 रुपये। अब दोस्तों, आप ही खुद डिसाइड कीजिए कि एक फुल विजन डिस्प्ले के लिए, 18:9 के डिस्प्ले के लिए, और 24 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के लिए आप 22,000 रुपये क्यों देंगे। इससे बेटर आप 16,000 रुपये क्यों ना दें, जिसमें आपको ज़्यादा बेहतर फीचर और ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं एक बेहतर क्वालिटी का फ़ोन मिल रहा है। हाँ, अगर ये फ़ोन जो है दोस्तों अगर 12-13 हज़ार की रेंज में आता तो हम उसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन 22,000 जस्ट फॉर स्नैपड्रैगन 450 और इसमें जो आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है उसके लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि ये वर्थ है। मार्केट में दोस्तों इस प्राइस में आपको मैं G5S Plus ही नहीं, इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे, जो मैं आपको अभी यहीं पर आपको लिस्ट बता सकता हूँ। जैसे कि इसमें Xiaomi का Mi A1 है, ठीक है, इसके बाद आपको Mi Max 2 मिल जाता है, Lenovo का आपको K8 Note मिल जाता है, Asus का Zenfone 3 मिल जाता है, Redmi का Note 4 मिल जाता है। ऐसे मार्केट में काफ़ी ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें आप 20,000 से भी कम पैसा खर्च करके Vivo के V7 Plus से भी बेटर स्पेसिफिकेशन और बेटर क्वालिटी वाले फ़ोन जो है आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं बोलूँगा कि दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। सिर्फ सेल्फी के चक्कर में 22,000 रुपये खर्च करना मुझे कहीं की भी समझदारी नहीं लगती है,
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे का रेड बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्या पता कोई इस सेल्फी के चक्कर में आने से बच जाए। मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ गुड टू नो इन्फो, कुछ रिव्यूज और टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।